हेलो स्टूडेंट्स, सर गुड मॉर्निंग। वेलकम यू ऑल इन दिस लर्निंग सेशन। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 इट्स सो ऑन। ठीक है, मैंने इससे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 8 तक आप सभी को मैंने बताया था क्या करना था। इसमें यूज द साइन, ये जो साइन है यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन एंड इक्वल, ठीक है। यहाँ पे 3 साइन है, इन्हीं साइन का यूज करके आपको ये बताना था कौन सा ग्रेटर देन है कौन सा लेस देन है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 8 में बताना था, ठीक है। यहाँ पे ये जो नंबर्स यहाँ पे ये इन दोनों नंबर्स में ये बताना था कौन सा बिगर है कौन सा इक्वल है, ये आपको बताना था, ठीक है। यूजिंग द सिंबल ऑफ लेस देन ग्रेटर देन एंड इक्वल, आपको इन तीनों सिंबल्स का यूज करके आपको ये बताना था कौन सा बिगर है या कौन सा इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे आप सभी ने आई होप ये आपने किया होगा अपने नोटबुक या बुक में, ठीक है। इसमें क्या था, 79 बीच में ब्रेकर एंड 89, ठीक है। इन दोनों में से कौन सा बिगर है, कौन सा बिगर? 89। तो कौन सा सिंबल यूज करेंगे इस बॉक्स में? कौन सा सिंबल पुट करेंगे इस बॉक्स में? प्लस सर 400। ये मैं ये पूछ रहा हूं यहाँ पे ग्रेटर देन करेंगे या लेस देन करेंगे? कौन सा सिंबल पुट करेंगे इसमें इस बॉक्स में? ग्रेटर देन सर, ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 में क्या है, कंप्लीट द नंबर पैटर्न, कंप्लीट द नंबर पैटर्न। यहाँ पे ये नंबर्स है, यहाँ पे देखो इसमें 472 एंड 476 में कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है? टू का डिफरेंस है। यस सर, देखिए फिर से देखो 472 में यहाँ पे जो वैल्यू है क्या 472 है और यहाँ पे क्या 476 है, तो इसमें हमने 4 ऐड किया तो कितना हो गया, 4 + 2 = 6। यहाँ पे 7 ऑलरेडी है तो या कितना, यानी यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है? 4। कितने का डिफरेंस है इन दोनों में? 4। और 476 में ये देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 480 है, तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 4 का, यानी 4 का डिफरेंस सभी में रखना है हमें। ये जो आगे के बॉक्सेस है इन सभी में हमें नंबर फिल करना है, लेकिन 4 का डिफरेंस होना चाहिए इन सभी नंबर्स में। 480 में 4 करो कितना होगा, 485 होगा, 4 करोगे 484। यस, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, वो तो बुक्स की बात हुई, हम तो एग्जांपल लेकर आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। चलिए हम एग्जांपल लेकर बताते हैं आपको, ठीक है। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ जिसके थ्रू आप सभी आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए मैं एग्जांपल पुट कर रहा हूं, यहाँ पे एग्जांपल है 7, 11, 15 और यहाँ पे ये कुछ ये जो डैश है इन डैश में नंबर फिल करने, ठीक है। ये नंबर दिख रहा है सभी को स्क्रीन पे? नंबर
देखो इन नंबर्स में कितने का डिफरेंस है? 10 3 चलिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। आप ये बताइए आपको कौन सी बुक पढ़ना पसंद है? मैथ। मैथ पढ़ना पसंद है। चलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल बुक्स कितने हैं? 7 7 बुक्स हैं। कितने हैं? 7 7 मैथ की बुक्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे कितने हैं? 11 11 है। तो इनमें कितने, 7 में कितना ऐड करेंगे कि ये 11 हो जाए? कितना ऐड किए सर? 4 ऐड किए ना। इधर भी देखो ये कितने हैं? 14 कितने हैं? 16 17 4 ऐड किए हैं। 4 4 18 दिख नहीं रहा क्या? दिखा? 4 का डिफरेंस है ना। 11 में कितना ऐड कर देंगे कि ये 15 हो जाए? सर 4 4 यानी ये जो नंबर्स है इन नंबर्स में कितने का डिफरेंस है? कितने कितने का? सर 4 4 डिफरेंस है इन नंबर्स में, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 15 4 4 इसमें 4 और ऐड करो कितना होगा? सर 19 में 4 और ऐड करो कितना होगा? सर 23 में और 23 में 4 और ऐड करो कितना होगा? 27 ठीक है। देखो इन सभी में कितने कितने का डिफरेंस है, ये जो नंबर मैंने राइट किया सर 4 4 4 का डिफरेंस है इन सभी नंबर्स में। ऐसे ही यहाँ पे भी है, देखो ये ए वाला देखो, यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है। 472 में 4 ऐड किया कितने हुए? 476। उसके बाद 476 में कितना ऐड किया कि 480 हो गया? कितना डिफरेंस है इन दोनों में? फोर 480 के बाद 4 और ऐड करिए कितना होगा? 484। ऐसे ही 4 4 का डिफरेंस रखना है, ठीक है, कर लेंगे ना? 400 यस सर। सभी लोग कर लोगे? यस सर। क्वेश्चन नंबर बी क्या है? बी वाला देखो कितने का डिफरेंस है इसमें? 20 का। कितने का? 20 20 का डिफरेंस है इन सभी में। तो 20 का डिफरेंस करते हैं 540 में 20 और ऐड किया कितना हो जाएगा? 580। ऐसे ही यहाँ पे कितना होगा? 580
20 और ऐड करो कितना हो जाएगा? 500 में 20 और प्लस करो, देखो 580 है, उसमें 20 प्लस करो कितना होगा? 8 सर 500 कितना होगा? 600 कितना होगा? 600 यहाँ पे क्या होगा? 600 में 20 और प्लस करिएगा 620, उसके बाद उसमें 20 और 640 एंड 660, ये कर लेंगे सभी? यस सर। अब आते हैं सी पे, देखिए सी में देखो कितने कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे देखो कितने कितने का डिफरेंस है, 950 के बाद 900 है, तो यहाँ पे 900 में क्या माइनस किया, 950 में कितना माइनस किया गया है कि नहीं सर? 50 का है इसमें, 50 का डिफरेंस है, कर लेंगे ना ये भी क्वेश्चन? यस सर। यस सर। इन सभी में 50-50 का डिफरेंस है, ऐसे ही 850 में 50 माइनस करो कितना हो जाएगा? 800 कितना होगा? 800 माइनस करना है, इसी वाले में क्या करना है, 50-50 सभी में माइनस करना है, ठीक है? अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कितना क्वेश्चन नंबर है? 10, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? मल्टीप्लाई है, क्या है? मल्टीप्लाई है, हमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 10 में? मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है? हाँ, पंखा, पंखे का जो आवाज, चलिए आनंद राज, अमन आप बताइए, अमन ऊर्जा कितना होता है? कैरी कितना राइट करेंगे? कैरी कहाँ लगाएंगे हम? सर 5 के ऊपर, 5 के ऊपर लगाएंगे, उसके बाद 3 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, 3×5 जा कितना होता है? 15 प्लस 1 कैरी 16 की क्या राइट करेंगे? 6 कैरी 18 प्लस 1 कैरी 19 तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने टोटल आया अमाउंट? 1962। ये हमारे पास सपोज कर लो ये मनी है, ये क्या रुपीज है, इतने रुपीज है, ठीक है? 1962 रुपीज अमन यस सर। आप इतने रुपए में कहाँ कहाँ टहलने जाओगे? सर मुंबई। मुंबई जाओगे? यस। मुंबई में जाके क्या करोगे? रहेंगे। क्या करोगे? रहेंगे। टहलोगे? कहाँ?
चलिए ठीक है, मुंबई में अमन टहलने जाएंगे, ठीक है, वहां पे ये खाएंगे, चाट खाएंगे, पानी पूरी खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे और कई सारे आइटम खाएंगे, क्यों अमन ये सब खाओगे ना? Yes, sir. चलिए अब मैं पूछूंगा खुशी से, खुशी खुशी आप बताइए। Yes, sir. मल्टीप्लाई करिए, 4 2 जा खुशी सर 4 2 जा 8 ग्रेट सर 4 2 जा 8 कितना होता है? 8 8। देखते हैं खुशी कितना रुपए कमाती है इससे, देखते हैं 4 6 जा 8 4 6 जा कितना होता है सर? 4 6 24 के क्या राइट करेंगे? 4 कैरी क्या लगाएंगे? उसके बाद 2 कैरी का टेबल लाइन टाइम पड़े 4 9 का कितना होता है? 36 प्लस 2 कैरी कितना हो जाएगा? 38। देखो अब खुशी के पास अपने रुपए हैं, खुशी अब इसमें कहाँ कहाँ जाएंगी जानते हो? ये जाएंगी आगरा घूमने, लाल किला देखेंगी, रेड फोर्ट देखेंगी दिल्ली का, क्यों खुशी? 848 कहाँ कहाँ जाओगी टहलने के लिए? ओके अब मैं पूछूंगा, मैं पूछूंगा परी से, परी परी यस सर। देखते हैं परी कहाँ पे उड़कर जाएंगी, क्यों परी? परी अब उड़ेगी, देखते हैं कहाँ उड़ के जाती है परी। फाइव का टेबल लड़ना परी? यस सर। चलिए फाइव का टेबल नाइन टाइम पढ़िए। सर 5 9 45 के क्या राइट करेंगे? सर 5 9 45 फाइव कैरी कितना आएगा? 4 4 4 5 6 जा 30 प्लस 4 कैरी कितना हो जाएगा? 4 कैरी टोटल कितना हो जाएगा? 34 कैरी लगाएंगे इधर 3 3। उसके बाद 5 का टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे कितना होगा? 5 7 35 कैरी कितना हो गया? 3845 रुपीज में कहाँ पे उड़ के जाओगी? कहाँ जाओगी उड़ के? सर कहीं नहीं, कहीं नहीं जाओगी। अच्छा हाँ, COVID-19 चल रहा है ना, कोविड चल रहा है, चल रहा है, कहीं नहीं जाएगी परी टहलने, वरना कोरोना हो जाएगा।
क्यों परी? चलिए परी कहीं नहीं जाएगी, परी अपने मनीष को सेव करके रखेगी। परी अपने मणि को क्या करेगी? सेव करके अपने पास रखेगी। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सिखाई आप सभी कर लोगे? यस यस सर। मल्टीप्लाई आप सभी कर लेंगे? यस सर यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद से सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? डिवाइड है। क्या है? डिवाइड डिवाइड है। ठीक है, और मैं डिवाइड आपको समझाता हूँ, डिवाइड है क्या। ठीक है, डिवाइड देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। डिवाइड कैसे सॉल्व करते हैं? चलिए डिवाइड का एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक एग्जांपल आपको बताता हूँ डिवाइड को। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं डिवाइड। माइल को डिवाइड करना है, 125 दिया गया है। ठीक है, आज सभी को पता है इसे क्या बोलते हैं? ये जो इधर यहाँ पे रहता है इसे क्या बोलते हैं? क्या? डिवाइडर बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? डिवीजर। क्या बोलते हैं? डिवीजर। डिवीजन। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिवीजन। डिवीजन इसे क्या बोलते हैं? क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो नीचे आता है यहाँ पे जो वैल्यू आती है उसे क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ये सभी को पता है ना? यस सर। चलिए अब इन्हें हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितने लोग ये सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फाइव को किस फाइव को डिवाइड करना है। ठीक है, 125 दिया गया है, 125 को किससे डिवाइड करना है? फाइव से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले हम पेयर बना लेंगे, पेयर। ठीक है, इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, इन दोनों का पेयर बना लेंगे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फाइव का टेबल पढ़िए कि 12 से अबव ना हो या फिर 12 हो या 12 से कम हो। ठीक है, कितने टेन होता है? ठीक है, यहाँ पे हमने 10 डाइट किया, उसके बाद क्या करते हैं हम इसे माइनस टू माइनस जीरो माइनस जीरो इक्वल टू कितना होगा? वन माइनस वन इक्वल टू कितना होगा? जीरो। जीरो कितना होगा? जीरो। जीरो जीरो। या फिर इसे क्रॉस भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा? फाइव। हम यहाँ पे फाइव क्या करेंगे? ठीक है, ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे टेबल पढ़िए, फाइव का टेबल पढ़िए, 25 हो या 25 से कम हो, लेकिन 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फाइव।
ठीक है आया आंसर क्या आया क्वेश्चन 25 आया कितना आया 25 आए सभी लोग सॉल्व कर लोगे आप यस सर यस सर कर लेंगे ना ये सारे क्वेश्चन यस सर कर लीजिएगा ठीक है ऐसे ही सॉल्व करना यहाँ पे ऐसे बना लेना ठीक है ऐसे फोर का टेबल पढ़ना सर ट्वेल्व से सर फोर थ्री जा टोर कर लेंगे सभी फोर थ्री जा टोर चलिए ठीक है क्वेश्चन नंबर 10, 9, 10, 11 ठीक है नाइन टेन एंड 11 ये आपका क्या है होमवर्क है होमवर्क सर होमवर्क ठीक है चलिए एक और पूछ रहा हूँ आप सभी से उसका आंसर दीजिए ठीक है यस सर एक और पूछ रहा हूँ यस सर चलिए इसे सॉल्व करेंगे अमन अमन यस सर यहाँ पे देखिए टेबल पढ़िए कि 8 से अब ना हो 2 4 8 क्रॉस किया यहाँ पे 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 से अब ना हो 2 1 2 2 1 2 2 सही है चलिए ठीक है अब आते हैं एक और एग्जाम एक और क्वेश्चन पूछता हूँ ठीक है ये वैल्यू दी गई है ये वैल्यू है ठीक है अब ये बताएंगे उन्नति बताएंगे उन्नति यस सर आप बताइए उन्नति यस सर यहाँ पे पढ़िए 9 का टेबल पढ़िए कि 81 से अबव ना हो यस सर 9 कितने टाइम पढ़ेंगे 89 का टेबल सर 9 9 81 9 टाइम कितने टाइम 9 टाइम ठीक है 81 यहाँ पे कट गया यहाँ पे हमने 5 को उतारा लेकिन यहाँ पे देखिए 5 9 से क्या है बड़ा है यस सर 9 5 तो 9 से नहीं कटेगा इसके लिए हम क्या करेंगे सर 5 5 यहाँ पे दोनों 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे सर वो भी 5 और ये 5 यहाँ पे क्या करेंगे इसके लिए यहाँ पे ठीक है वहां पे 0 बढ़ा के 5 को राइट करेंगे ठीक है 9 6 54 कितना होता है 54 5 - 4 कितना होगा सर 1 यहाँ पे देखो रिमाइंडर कितना आया 1 क्वेश्चन कितना आया है 906 906 समझ में आ गया डिवाइड कैसे सॉल्व करना है यस सर
सर। चलिए ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है? मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय सर। गुड बाय सर। गुड बाय। ये होमवर्क कर लेना, होमवर्क आपका क्वेश्चन नंबर 9, 10 and 11, ठीक है? यस सर।